गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जितना पियोगे उतना ज़्यादा फलेगा। ठीक है, तो शिक्षा जितनी ज़्यादा ग्रहण करोगे उतनी ही ज़्यादा उन्नति होगी, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे, पहले करंट के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो आंध्र प्रदेश हमने कल पढ़ा था उसके आगे का जो भाग बचा हुआ है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के महासचिव 5 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं, उनका नाम क्या है? सार्क के महासचिव भारत दौरे पर आए हैं, उनका नाम है एस्ला रूबान बैराकून। उनका नाम क्या है? एस्ला रूबान बैराकून। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएम मोदी किस योजना की 9वीं किस्त जारी करेंगे? 8 किस्त दे चुके हैं, 9वीं किस्त किस योजना की जारी करेंगे? आज करेंगे किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है? कौन सी कंपनी है? गो फर्स्ट कंपनी ने क्या किया है कि जो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे उन्हें 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफ़र देगी, फ्री में सफ़र कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उत्तराखंड सरकार ने किस महिला हॉकी खिलाड़ी के राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसे बनाया उत्तराखंड सरकार ने? वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना का ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार किसने ग्रहण किया? रेलवे में पूर्व रेलवे के जो महाप्रबंधक है वो कौन बने? अरुण अरोड़ा बने रेलवे के महाप्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉलीवुड एवं टीवी जगत के प्रसिद्ध अभिनेता का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कौन थे वो अभिनेता? अनुपम श्याम का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो क्या थे? बॉलीवुड एवं टीवी जगत के प्रसिद्ध अभिनेता थे, प्रसिद्ध कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक में जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट कौन बन गए? नीरज चोपड़ा मात्र 23 वर्ष के, जिन्होंने जैवलिन थ्रो में क्या किया? एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, आवाज़ नहीं आ रही थी, कि ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट कौन बने? नीरज चोपड़ा बने, जो कहाँ से है? हरियाणा से। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने मामले सामने आए? 35,499 मामले सामने आए और मौत कितनों की हुई? 447 की डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 अगस्त को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस के रूप में। जब मैंने आपको सारे दिवस कराए थे उसमें 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस भी कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल की के दिनों को बढ़ा दिया है, कार्यकाल की अवधि को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। किसने? कैबिनेट सचिव है जो राजीव गौबा, सरकार ने उनके कार्यकाल की अवधि को कितने दिन के लिए बढ़ा दिया? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी सार्क के महासचिव 5 दिवसीय भारत दौरे पर आए, उनका नाम है एस्ला रूबान बैराकून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस योजना की 9वीं किस्त जारी करेंगे? किसान सम्मान निधि योजना की। किस एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष के लिए फ्री सफ़र हवाई सफ़र देने की घोषणा की है? गो फर्स्ट ने। 5 साल तक फ्री में सफ़र करेंगे आराम से, बिना टेंशन के, कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने किस महिला हॉकी खिलाड़ी के राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वंदना कटारिया को बनाया उत्तराखंड सरकार ने। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार किसने संभाला? अरुण अरोड़ा ने।
बॉलीवुड एवं टीवी जगत के प्रसिद्ध अभिनेता का 23 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? अनुपम श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में जो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट कौन बन गए? नीरज चोपड़ा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की स्थिति क्या है? कितने मामले सामने आए? 35,499 सामने आए। और मौत कितने की हो चुकी है? 447 की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व भर में? विश्व आदिवासी दिवस के रूप में। लास्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये तो थे हमारे करंट के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश में हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल हमने मुख्यमंत्री तक पढ़ा था कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे और वर्तमान में कौन से मुख्यमंत्री है, और पहले राज्यपाल कौन थे वर्तमान में कौन से है। उसके आगे का पढ़ेंगे अब कि आंध्र प्रदेश में जो विधायिका है वो एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक है। एक सदनात्मक तब होगी जब यहाँ पे विधानसभा या विधान परिषद में से एक होगी। तो द्विसदनात्मक तब होगी जब विधानसभा की सीट और विधान परिषद की सीट दोनों की होगी, ठीक है। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं आंध्र प्रदेश में? 175 सीटें। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में है 58 सीटें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि संसदीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की है 11 सीटें। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की है 25 सीटें। विधानसभा में 145 याद रखेंगे, विधान परिषद में 58, संसदीय क्षेत्र वो राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 25 सीटें, ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? मैंने कल आपको राजधानी बताई थी, 3 राजधानी बताई थी कि कौन कौन सी राजधानी है, कहाँ कहाँ पे कौन बैठता है, कहाँ कहाँ पे कौन सा कार्य होता है। कौन कौन सी बताई थी? कुरुनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। तो अमरावती में मैंने क्या बताया था कि उच्च न्यायालय कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो अमरावती में है, यानी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती। नेक्स्ट है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश है आंध्र प्रदेश में, उनका नाम है जस्टिस अनूप कुमार गोस्वामी। श्री जस्टिस अनूप कुमार गोस्वामी मुख्य न्यायाधीश है। आंध्र प्रदेश का राजकीय गीत क्या है? माँ तेलुगु थेली की आंध्र प्रदेश का राजकीय गीत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाषा कौन सी है? भाषा है तेलुगु। राजकीय गीत है तेलुगु थेली की। आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्तनपायी प्राणी कौन सा है आंध्र प्रदेश का? ब्लैक बक आंध्र प्रदेश का स्तनपायी प्राणी है। आंध्र प्रदेश का पक्षी कौन सा है? तोता है। आंध्र प्रदेश की मछली कौन सी है? मडफिश है। फूल कौन सा है? चमेली है, फूल है चमेली। फल कौन सा है आंध्र प्रदेश का? आम। वृक्ष कौन सा है? नीम। खेल कौन सा है? कबड्डी। तो ये सारी चीज़ें उसमें एग्जाम्स में पूछी जाती है कि आंध्र प्रदेश की राजकीय पक्षी का नाम बताइए, तो तोता। आंध्र प्रदेश के फूल का नाम बताइए, चमेली। फल का नाम बताइए, आम। वृक्ष का नाम बताइए, नीम। खेल का नाम बताइए, कबड्डी। मछली का नाम बताइए, मडफिश। नृत्य बताइए, कुचिपुड़ी। भाषा बताइए, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु, ठीक है। राजकीय गीत कौन सा है? माँ तेलुगु थेली की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्षेत्र रैंक, मतलब क्षेत्र के हिसाब से कौन से रैंक पे आता है आंध्र प्रदेश। तो क्षेत्र के हिसाब से ये 7वां सबसे बड़ा राज्य है। 7वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। जनसंख्या रैंक क्या है कि जनसंख्या के हिसाब से ये कितने नंबर पे आता है? जनसंख्या रैंक के हिसाब से ये आंध्र प्रदेश 10वें नंबर पे आता है। आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.02%। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, क्वेश्चंस भी नोट डाउन करने हैं। आंध्र प्रदेश को पूरा एक पेज पे लिखना शुरू कीजिए, वही पेज छोड़ दीजिए, आगे का लिखना शुरू कीजिए। जैसे मैंने कल से आंध्र प्रदेश शुरू कराया है, तो कल कराया कुछ आज कराएंगे, बाकी का बचा हुआ कल कराएंगे। कल का जो लास्ट का बचा होगा उसे परसों 3-4 दिन में पूरा आंध्र प्रदेश खत्म कर देंगे, ठीक है।
ये कहाँ तक हो गई, साक्षरता दर कितनी हो गई, 67.02% हो गई। लिंगानुपात क्या है, मतलब महिला कितनी है और पुरुष कितने हैं, 1000 पुरुष पे 993 महिलाएं हैं, मतलब 7 महिलाएं कम है। ठीक है, नदियाँ और झीलें देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, पेना, वेदवती, चपावती और पालर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि पालर नदी कहाँ पे हो, कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, वेदवती कहाँ पे है, पेना कहाँ पे है, कृष्णा गोदावरी कहाँ पे है। तो आंसर क्या करेंगे, टिक आंध्र प्रदेश में। जिले कौन कौन सी है, जो प्रसिद्ध जिले हैं मैंने वो यहाँ पे वही नोट डाउन की है, वैसे बहुत सारी जिले हैं। सबसे पहले कौन सी है, दुर्गम चेरवू झील, दूसरी है हुसैन सागर झील, तीसरी है कंभम झील, चौथी है कोलेरू झील और पाँचवीं है पुलिकट झील। तो क्वेश्चन आएगा कि पुलिकट झील कौन से राज्य में स्थित है, तो हम आंसर लगाएंगे कि आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये नदियाँ और झील हो गई। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो विधायिका है वो कौन सी है, द्विसदनात्मक है, यानी विधानसभा भी है आंध्र प्रदेश में और विधान परिषद भी है। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 58, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 175। संसदीय क्षेत्र में जो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, जो राज्यसभा है उसमें 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। तो याद रखेंगे, विधान परिषद 58, विधानसभा 175, राज्यसभा 11 और लोकसभा 25 सीटें। उच्च न्यायालय कहाँ पे है आंध्र प्रदेश का, तो उच्च न्यायालय है अमरावती में। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, 3 राजधानी है, विशाखापट्टनम, कुरुनूल और अमरावती। अमरावती में यहाँ आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। अभी जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, श्री जस्टिस अनूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि राजकीय गीत कौन सा है, राजकीय गीत है तेलुगु थैली की, माँ तेलुगु थैली की। भाषा कौन सी बोली जाती है, भाषा तेलुगु बोली जाती है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, क्वेश्चन यही आएगा, नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का स्तनपाई प्राणी का नाम बताइए, नाम है ब्लैक बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के राजकीय पक्षी कौन सा है, पक्षी होता है तोता। राजकीय मछली कौन सी होती है, मछली होती है मडफिश। राजकीय आंध्र प्रदेश का राजकीय फूल होता है चमेली। राजकीय फल होता है आम। राजकीय वृक्ष होता है नीम। और राजकीय खेल होता है कबड्डी। ठीक है, अब क्षेत्र रैंक यानी क्षेत्र के हिसाब से आंध्र प्रदेश कौन से नंबर का राज्य है, तो क्षेत्र के हिसाब से आंध्र प्रदेश 7वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या रैंक 10वें नंबर, 10वें नंबर पर कौन सा, मतलब जनसंख्या रैंक में ये कौन से नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, 10वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब साक्षरता दर कितनी है आंध्र प्रदेश की, साक्षरता दर है 67.02%। लिंगानुपात कितना है, कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं हैं, फीमेल यानी महिलाएं हैं 993 और 1000 पुरुष पे 993 महिलाएं हैं, यानी अनुपात है ये कि जो 1000 पुरुष होंगे तो महिलाएं कितनी होगी, 993 होगी। नदियाँ और झीलें देख लेते हैं, नदियाँ कौन कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, पेना, वेदवती, चपावती और पालर। झीले कौन सी है, दुर्गम चेरवू झील, हुसैन सागर झील, कंभम झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील। कंभम झील कई बार क्वेश्चंस में पूछी, आंसर उसमें एग्जाम्स में पूछी गई है, और पुलिकट झील भी पूछी गई है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए, और जो बाकी का आंध्र प्रदेश का जो बचा हुआ है उसे हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और मुझे आपसे ये कहना है कि आजकल आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत बच्चे शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर आंध्र प्रदेश का आगे का भाग लेके आएंगे और 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे हम करंट के, जो हम डेली लेके आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।